चलो भाई आ जाओ फटाफट सारे, आवाज ओपन है। जयंत सर। जयंत, जयंत भैया कैसे हैं? सर बस बढ़िया सर, आप कैसे सर? बढ़िया, चंगा, फर्स्ट क्लास। मैंने कहा कि इस दौर में थोड़ा सा बैठ के बातें की जाएं एंड टू अंडरस्टैंड कि फर्दर क्या स्थितियां हैं और क्या हालात होने वाले हैं। तो नाम तो इंटरेस्टिंग दिख रहा है, अमित मेरे को दिखाई दे रहे हैं, अश्विनी दिखाई दे रहे हैं, नवनीत दिखाई दे रहे हैं एंड सागर भी कनेक्ट हो सकते हैं कम्फर्टेबली होना चाहे तो। चलिए सागर, आवाज़ बिल्कुल आ रही, बस सागर दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। सागर आ जाएं वीडियो पे फटाफट। चलिए, आई थॉट ऑफ लाइक अभी आप लोगों को पता ही होगा कि हाल फिलहाल में आई क्रिएटेड अ वीडियो। चलिए सभी आ गए हैं भाई, तो चलिए स्वागत है आप सबका एंड पहले मैं कुछ बातें अपनी रखूंगा, देन आई विल स्टार्ट लिसनिंग योर थॉट्स एंड ओपिनियन और क्या भ्रम चल रहा है इस समय, क्योंकि इस समय एक दूसरे को कंसोल करने के अलावा और ढांढस बनाने के अलावा समझ में नहीं आता कि कोई और भी चीज़ है हमारे पास इस समय। सब कुछ अजीब होता चला जा रहा है और मैं तो सरप्राइजिंग इस चीज़ को लेके हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड को देखो पूरी क्लैरिटी चल रही है सर, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। अभी मैं 6-7 दिन पहले वीडियो बनाया था अराउंड 6 या 7 तारीख को कि इसका 15 तारीख को जो है ये लोग डेट्स क्लियर कर देंगे कि 25, 26, 27 को इसका जो है होने वाला है। ऑब्वियसली ऑलरेडी इंडियन कोस्ट गार्ड खुद भी डिफाइन पहले से ही कर देती है अपने जो है वेबसाइट पे उस चीज़ को कि मिड सितंबर तक जो है वो हो जाएगा, फिर बाकी वो हो जाएगा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड प्रॉपर हो चुकी है और सरप्राइजिंग है कि आईएनएस चिल्का में जाओ तो जो है दोनों को साथ जाना, नेवी को भी जाना है, इंडियन कोस्ट गार्ड को भी जाना है और 2700 सीट की हिस्सेदारी इनकी है, उसकी हिस्सेदारी केवल 300 सीट्स की है, 260 हो गया जीडी का और 40 हो गया आपका यांत्रिक का, बट उसके बावजूद मजाक बना के रखा हुआ है कि मतलब 300 सीट वाली पूरी क्लैरिटी है, 2700 सीट की क्लैरिटी नहीं आएगी। एयरफोर्स को भी लेके वही हाल है, एक बहुत ड्रेस्टिक सिचुएशन है एंड जैसा कि अभी अनुमान यही चल रहा है कि हाँ सितंबर में चीज़ें, जैसा उन्होंने अभी तक मेरे को जो अपडेट है कि बेहतर हो जाएंगे तो सितंबर में चीज़ें अपडेटेड आ जाएंगी, बट इसके बाद यही है कि एक बेसिक इंतज़ार हम भी अभी तक कर रहे हैं। इसके बाद बाकायदे आरटीआई के तहत विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस की लाइक आप हमें स्टेट अब एक डेट दे दीजिए क्या क्या किस डेट पे आप इसको क्लियर करेंगे, बट उन लोगों का भी ये कहना है कि सर थोड़ा सा वेट कर लें आप जो है 25 तक, देन यू विल स्टार्ट द प्रोसीजर, फिर आप लोग इस प्रोसीजर को शुरू करें, क्योंकि आरटीआई भी करने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं होगा जो इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं, आरटीआई करने का अधिकार उसी को होता है जो इस प्रोसीजर का हिस्सा होता है, क्योंकि उसी का हक है इस बात को जानने का कि आखिर जो है मेरा सर एनरोलमेंट कब आएगा या मेरा रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि वो उसका पार्टिसिपेंट है, किसी बाहरी आदमी को पूछने का अधिकार नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे और तैयार करेंगे, बट अभी थोड़ा सा है कि 25 तक रोक लगाई गई है तो रुके हुए हैं। ये तो चलिए मेरी बात रही जो कि अमूमन हर जगह यही है, और बट चलिए थोड़ी बहुत बातें आपसे भी हो जाएँ बिकॉज लगातार मैंने सोचा है कि इस बीच मुलाकात होती रहेगी हमारी बच्चों के साथ और हम डिस्कस करेंगे हर पहलू को, हर इमोशन को, हर वैल्यूज़ को कि ज़िंदगी में क्या बीत रही है, कैसे खुद को पॉजिटिव कर रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं रिलेटिव को, पेरेंट्स को, फैमिली को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय ऐड ऑन है। यस अगर आप आ जाइए सामने, यस अच्छा ओके कर ले। कैसे हैं सागर आप? जी जी बढ़िया सर, आप सुनाइए। बस बस चंगा भाई, अजीब अजीब सी स्थिति। अच्छा क्या है कि हम लोग मिलते तो अगले फेज की बात करते, लाइक बच्चों से बड़ी इच्छा थी मेरी कि जैसे एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी सागर विल डिस्कस अबाउट द मेडिकल प्रोसीजर, तो मैं पूरा प्लान कर रहा था सारे ग्रुप के बच्चों से कि यार हम लोग प्लान करेंगे एनरोलमेंट के बाद विल सिट फॉर द मेडिकल, बिकॉज अभी मेडिकल का भी इंपॉर्टेंस बढ़ गया कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना टाइम गैप हो गया है तो इट्स वैल्यूएबल और स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा मेडिकल, तो उसको लेके अभी तो मुझे लगता है मैं मेडिकल की क्या बात करूँ, अभी पहले स्टेप पे ये लग रहा है कि पहले ये तो हो जाए भाई, तो अजीब से। कहाँ से बिलोंग करते हैं सागर आप? सर मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा दिल्ली से हूँ, चलो बढ़िया जी। क्या चल रहा है, परिवार वाले रोज पूछ रहे हैं कि नहीं इस प्रश्न को आपसे? सर डेली जब भी बाहर जाता हूँ दोस्त रिश्तेदार की कब जाएगा कब जाएगा, अब क्या बताऊँ। अब पहले सर ये बहाना दे देते कि दिल्ली मेडिकल, अब सर वो भी नहीं दे पाते, अब वो भी क्लियर हो गया, अब वो भी नहीं रहा। सही कह रहे हो यार, नहीं अभी थोड़ा सा 25 तक सागर हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हर बच्चे को मैं सीधा बोलूंगा, मैं आरटीआई का पूरा एक ड्राफ्ट तैयार कराऊंगा एंड आई विल शेयर टू एवरीवन, सबको मैं शेयर करूंगा और आरटीआई के तहत इतना ज़्यादा लेटर इनको भेजना है, इतना ज़्यादा लेटर भेजना है ना कि
कि दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ क्या स्थिति है एक्चुअली. एंड आई रियली फील सरप्राइज, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि एयरफोर्स में ही वर्किंग लोग हैं, पुराने बच्चे भी हैं अपने बहुत सारे, तो बातचीत होती है कभी कभी, तो उन लोगों का भी यही लाइन होता है, सर हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या है, हमारी तो एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डेली सर डेट डेट अलग अलग डेट, कभी कोई अपडेट दे देता है यूट्यूब पे, कभी कोई अपडेट दे. एक तो सर वैसे अगर इंतजार करते ना तो हम रुक जाते, लेकिन ये अपडेट के चक्कर में और दुख होता है, एक नई तारीख फिर वो कैंसिल, फिर आगे बढ़ा देते फिर नई तारीख फिर कैंसिल, सर इस वजह से और दुख होता है. सही कह रहे हो आप, मतलब ये बिल्कुल ये कॉन्सेंट्रेशन को भी सागर कहीं ना कहीं बहुत ब्रेक कर रहा है बच्चा. ये सच है कि बड़ा आसान सा डायलॉग है ये कह देना कि नहीं बेटा फोकस करो आप अपने करियर में. आई अंडरस्टैंड सागर, फोकस नहीं होता यार, हम भी आपके जगह कॉम्पिटिटर हैं तो हम भी वो चीज़ महसूस कर सकते हैं कि सर क्या फोकस करें, इस बात पे फोकस करें कि मुझे अगले एग्जाम को तैयारी करके क्रैक करना है, या इस बात पे हम फोकस करें कि एग्जाम हमने निकाल लिया मुझे बेलगाम कर्नाटका जाके ज्वाइन करना है, तो मुझे पहले क्लियर करिए मैं हूँ कौन, मैं जाऊँ कहाँ, करूँ क्या. तो आई अंडरस्टैंड, ये एक बड़ा प्रश्न तो बच्चा है, इट्स अ रियली रियली टफ क्वेश्चन. अच्छा फैमिली, फैमिली तो चलो एक बार को समझाने से समझ भी जाती है, फैमिली तो समझ जाते लेकिन बाहर के लोग नहीं समझते, बाहर के लोग नहीं समझते उनके लिए तो समझ लो ये रोज का ब्रेकिंग न्यूज है. मैं अभी एक बच्चे से सर, अब तो लोग भी ये सोचने लग रहा है ये आउट होके बैठ गया इसीलिए नहीं पता. एग्जैक्टली. अच्छा अपना समाज ऐसा है कि इसमें नकारात्मक विचारधारा पहले से ही जन्म ले लेती है लोगों को, तो उनके दिमाग में होता है कि झूठ बोल रहा है ये कर रहा है, तो अब इस चीज को जस्टिफाई करना कि मैं सही बोल रहा हूँ ये भी बड़ा अजीब लगता है अंदर से कभी ना कभी. तो आई रियली फील दैट प्रेशर, वो प्रेशर है. चलिए 25 तक का एक इंतजार दिमाग में रखे हुए हैं हम लोग भी ओवरऑल, उसके बाद मैं ड्राफ्ट शेयर करूंगा. विल स्टार्ट आस्किंग, कर भी क्या सकते हैं बच्चा, सबसे बड़ा बात तो यही है कि बहुत सारी चीजें अभी जैसे कि बच्चे बात कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे गए भी लाइक दिल्ली कैंट पहुंचे सीएसडी सेंटर में, अब वहां भी जाके वो क्या बात कर लेंगे, वो कह देंगे कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लैरिटी आनी है. वही तो सर, और सबका एकदम फ्रेम जवाब होता है, मतलब जवाब जैसे लगता है मुझे क्योंकि सिखाया गया हो कि प्लीज जो है ऑफिशियल साइट पे विजिट करते रहे. भैया एक बार बता दीजिए कितनी बार विजिट करना है, सुबह 5 बजे से लेकर, हाँ वो मिनट घंटे मेरे को समझा दो उतने पे हम विजिट करते रहेंगे बैठ के, ये स्थिति है. अब तो सर सीएसबी में कॉल करते हो पता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जब तुम्हें पता लगे ना हमें बता देना, ऐसे बोलते हैं सीएसबी वाले भी. और सर कॉल काटने लगे वो उठाते भी नहीं है ना कुछ अपडेट. कभी कभी तो कुछ समझ में नहीं आता कि इस देश में ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से वो सब चीजें की जाए. ऐसा नहीं कि, और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था स्पेशली एयरफोर्स और नेवी वगैरह से जो इसमें प्रोसीजर इन लोगों ने किया है, अब समझ लो पूरा साइकिल शेड्यूल बिगाड़ के रखा हुआ है. अब समझाने को तो बहुत, समझाने को बच्चा बहुत बात समझाते हैं, समझाने को बताने लगेंगे बैठ के सर अप्रैल वाले में शुरू ही हुई ट्रेनिंग जो कि जनवरी में स्टार्ट हो जानी थी, हमने कहा अच्छा जी. अभी सर आपको पता होना चाहिए सागर कि जो बैच था वो कंप्लीट हो के बैंगलोर पहुंच भी गया, मतलब जिसको जहां जाना था द एकेडमी इज फ्री नाउ. बेलगाम कर्नाटका पूरी तरह से जो है खाली है इस समय, क्योंकि जुलाई में होगी थी सर, 31 जुलाई को पीओपी थी उनसे, आप समझ ही रहे हो सारी बात. बट उसके बावजूद ये है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज है क्या. आप 31 जुलाई से आप आज तक कैलकुलेट कर लो, आप 1.5 महीने डाक चुके हो. 1.5 महीना यस सर, और उसमें भी सर सियोरिटी नहीं है कि आगे होगा कि नहीं होगा और कितना लेट जाए. नहीं नहीं बेटा आएगा, ज्वाइनिंग वाइनिंग है, बच्चे इस चीज़ को भी लेके बहुत नेगेटिव, आप लोग हो चुके हो इतने बड़े प्रोसेस से गुजरे हो तो उसको लेके आप तनिक भी नेगेटिव मत होइए सागर, और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना बच्चा. इस समय हम एक दूसरे को ढांढस बंधाने के अलावा कुछ कह भी नहीं सकते हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो आके कोई रॉकेट वाली इन्फॉर्मेशन पास करता है, क्योंकि हर आदमी मैं जानता हूँ अपने नेटवर्क से कोशिश तो कर रहा है कि उसको चीज़ें पता चले, अपडेट आए. इवन आई टॉक टू द बिग ऑफिसर्स इन दैट, बट वही आइडियल जवाब होता है कि जल्दी ही आ जाएगा आप टेंशन मत ले, जल्दी ही आ जाएगा आप टेंशन मत ले, हद है जल्दी जल्दी में बहुत टाइम है. मैंने कहा सर, मैंने कहा कि आप सर इतना क्यों परेशान हैं, रिजल्ट कब आ जाएगा. हमने कहा सर हम परेशान नहीं हैं, बट जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत परेशान हैं, और डेली चाहे व्हाट्सअप उठा के देखूँ, इंस्टाग्राम देखूँ, यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ बच्चा, तो बच्चे इतना मतलब आशा से पूछते हैं ना, तो अंदर से बड़ा कचोट आता है कि मतलब एक जानकारी भर सही मैं दे लूँ तो मुझे लगता है कितने लोगों के जो है हौसले प्रबल हो जाएंगे और उनमें एक मोटिवेशन आ जाएगा. बट जब आप वो भी नहीं कर पाते हो तो खुद से बड़ा दुख होता है टेक्निकली कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली. नहीं, वी आर होपिंग वेरी पॉजिटिव, सितंबर नहीं खाली जाने वाला है, इतना मैं आश्वस्त कर सकता हूँ सागर, जो अभी तक स्टेटस है एक्चुअली.
खुशखबरी किसके लिए? रिजल्ट वालों के लिए, एनरोलमेंट वालों के लिए, दोनों की खुशखबरी जब आएंगी तो बैक टू बैक 5 डेज के अंदर दोनों डन हो जाएंगे। एक चीज तो अच्छी है ओवरऑल, सर आएंगे फिर इलाहाबाद जरूर मिलेंगे। ऐसा फिर कुछ नहीं है सागर, हम ये कह दें कि लाइक रिजल्ट पहले आएगा एनरोलमेंट आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कुछ भी वो जो भी क्लैरिटी पाएंगे, मुझे लगता है अभी एक भी खुशखबरी दे दे तो लोगों में खुशी की लहर आ जाए, क्योंकि फिर उससे पता चले प्रोसेस बढ़ रहा है। सर बच्चे तो एफकैट का रिजल्ट देख के खुश हो गए, चलो कुछ काम तो चल रहा है, खुश ये देख के बच्चे खुश हो गए। सही कह रहे हो, अभी समझ लो सागर नेवी वालों ने दिमाग खराब करके रखा है बच्चों का। लास्ट टाइम तो पूरा ले लिए, एक चांस खाए, दूसरा चांस जो है 100% वालों का कर दिए, अब तीसरे चांस के लिए बच्चे इंतजार करें। गजब का हाल हो गया, मेरे को समझ नहीं आता है कि फरवरी का बैच इनको स्टार्ट करना है, ये क्लियर है और इनकी जी 2700 सीट्स भी इनकी क्लियर है, इसको भी मतलब कोई काट नहीं सकता है, बट कैसे करेंगे इस बात का कोई क्लैरिटी नहीं है। सर पूरा डिफेंस सिस्टम अभी खराब चल रहा है, आर्मी के भी सर पेपर दूर रखे। अच्छा लड़ाई भी सागर इस बात को लेके नहीं कि आप 2700 के बजाय 27,000 सीट कर दो, 2700 ही रखो, केवल पॉइंट ये था कि सबको मौका मिलना चाहिए, केवल इतनी ही बात है। अच्छा उसके लिए आपको लगता है 200 का फॉर्म नहीं भैया, 500 रुपए ले लो आप ऑनलाइन एग्जाम कराने के। जैसे एक पॉइंट आता ना कि इतने लाख लोगों का एग्जाम कराएंगे खर्च बढ़ेगा ये वो, भाई आप 500 रख लो ना यार, कोई रोक रहा हो तो आप बताइए, बट एटलीस्ट मौका मिलना चाहिए सबको। मौका नहीं मिलता है बच्चों का दिल टूट जाता है यार। और सर वैसे भी सीबीएसई वाले बच्चे आ जाते हैं वो और कट ऑफ बढ़ा देते हैं सर, उनकी वजह से तो 95 यूपी बोर्ड में इतने नंबर नहीं आ पाते सर। सही कह रहा हूँ, उनके आने से जो है स्पोर्ट लेवल अपने आप बढ़ जाता है। नहीं सागर, होपिंग वेरी पॉजिटिव फॉर सितंबर बच्चा, और इसमें आने का मतलब यही है, मैं समझ सकता हूँ एंड ये चिंता का विषय तो है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए, बी पॉजिटिव इन द लाइफ, यही मैं कहूँगा। ये लेकिन गजब का दौर है, ये शायद ताउम्र याद रहेगा। अभी कल एक बच्चे का इंटरव्यू चल रहा था, तो ही वॉज गोइंग फॉर द सैक एंट्री, मतलब एक स्पेशल एंट्री इन कमीशन कैटेगरी एयरफोर्स में होता है, लाइक जैसे कि आप जब एयरफोर्स में बच्चा जाते हो तो 2 ईयर्स के ऑन एनरोलमेंट डेट से जोड़ लिया जाता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी, जो आप ईयर्स पूरे कर रहे हैं तो 2 साल बाद आप ACC एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए फॉर द कमीशन कैटेगरी। एंड उसी तरह से बच्चे जब आप 13 ईयर का जॉब कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब अप टू सर्जेंट लेवल आप पहुंच जाते हैं, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सैक एंट्री, दैट इज द स्पेशल एंट्री फॉर द इंडियन एयरफोर्स एस्पिरेंट, मतलब इंडियन एयरफोर्स जो सर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं। तो कल इंटरव्यू उससे ले रहे थे हम लोग बैठ करके, हमने कहा इस हालात के विषय में आपको पता है जो चल रहा है, अभी उसका इंटरव्यू थोड़ी देर में पब्लिश भी होने वाला है, 1 बजे आज उसका इंटरव्यू आएगा, तो मैं ऐसे कैजुअली पूछ रहा था उससे कि भाई हालात क्या है। कहें सर मतलब आप ये समझ लीजिए कि मुझे मेरे रिलेटिव का कम से कम आ चुका होगा सर 1000 फोन, हम क्या जवाब दें सर बताइए, हमें कोई अपडेट नहीं दी जा रही है, क्या सर हम लोग नहीं कोशिश किए, क्योंकि बेटा सब कुछ कनेक्ट है ना, सबका तो कोई ना कोई परिचित है ही कहीं पे, ऐसा तो है नहीं किसी का कोई लिंक नहीं है, बट स्थिति वही है सागर की जो है लोगों को कोई अपडेट ही नहीं दे रहे हैं, जबकि लोग केवल इतना मांग रहे हैं आप बता दो 15 दिन बाद देना, 20 दिन बाद, वेल एंड गुड, नो इशू, बट 15-20 दिन बता तो दो। हम तो बोल रहे हैं नवंबर की डेट दे दो, लेकिन एक डेट दे दो कि नवंबर 10 नवंबर को आ जाएगा उसमें राजी है, लेकिन डेट दो एटलीस्ट हम कॉन्सेंट्रेट तो कर सके, फोकस तो कर सके अपने आगे के प्रोजेक्ट को लेकर। सर आगे CDS के प्लान थे, क्या क्या प्लान थे, किसी पे फोकस नहीं हो पाता। जी जी जी, नहीं मैं अभी एक सेशन प्लान कर रहा हूँ, सारे पेरेंट्स से मैं मिलूंगा उसमें एंड I'll talk to them properly and discuss the real situation, क्योंकि किसी ने किसी को तो निकल के आना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि इसमें बच्चों का कोई गलती नहीं, वो क्या करे बेचारे, वो तो अपना प्रोसेस करके बैठे हुए हैं, वो करे भी तो क्या करें। आपकी वीडियो सर लाइव चलती है मेरे घर में हमेशा, जब भी यूट्यूब पे आती है ना कभी भी सेशन कोई भी, अभी लास्ट जो आपने वो एनरोलमेंट की वीडियो डाली थी ना जैसे सितंबर वाली अपडेट दी थी, वो सर खाना खाते वक्त पूरी फैमिली देखती है टीवी में। आई अंडरस्टैंड जो है सागर, बट बड़ा मुझे भी दुख हो रहा है इसमें बच्चा कि मैं कुछ अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, बट चलिए 25 तक का एक आशा हमें रखी गई है थोड़ा सा इंटरनल, अब आश्वस्त ही करते हैं डेट्स को लेके, तो चलिए ईश्वर करें आ जाए, सबकी प्रार्थना इस समय है, सबकी दुआ है। सागर बाकी पॉजिटिव रहो बच्चा और सब अच्छा होगा, डोंट वरी, जल्दी सब अच्छा होगा और अपडेट्स भी जल्दी आपके सामने आने वाली है, ये मैं आश्वस्त थोड़ा सा यहाँ आके कर रहा हूँ आप लोगों। चलिए थैंक यू सागर, चलिए ओके, गुड लक बच्चा, ओके नॉन एज से कनेक्ट कर लें फिर हम इससे आते हैं, अमित का नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा है आज, नौनीत हो तो आप बेटा लाइव आ जाएं, कैमरे के सामने आ जाएं। कैसे है नौनीत? बढ़िया सर।
बढ़िया जय जय। कहाँ से हैं आप नवनीत सर? यूपी वाराणसी। अच्छा बनारस से हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। क्या हाल चाल है बनारस का? और क्या हाल चाल है आपका? हमारा सर बढ़िया है, बस थोड़ा आसपास दिक्कत है। लोग पचा नहीं पा रहे हैं। हाँ सही बात है यार, इस मोमेंट को मुझे कभी कभी नहीं समझ में आता है कि हम इस पे दुख बयां करें कि इस पे हंसें, समझ मजाक बन गई जिंदगी। एक बच्चा तो मेरे से बोला सर मैं घर से ही नहीं निकलता पिछले 1.5 महीने से। सर क्वारंटाइन कोरोना में लोग हुए थे, अभी सर हम लोगों को एयरफोर्स ने क्वारंटाइन कर दिया है। हम डर के मारे घर से ही बाहर नहीं आते, क्योंकि जैसे ही आते ऐसा लगता है 2-4-6 लोग खड़े हैं चारों ओर पूछने के लिए कि आखिर तुम कब जा रहे हो। हाँ ये तो वाला हो गया कि घर वाले उतना परेशान नहीं है जितना बाहर वालों को चिंता है, हाँ कि आखिर तुम कब जाओगे, वो वाले हालात हो गए हैं। हमने कहा बेटा देखो जिंदगी का ये भी एक दौर है, तुम्हें मौका मिला और पढ़ो और तपस्या करो, और कोई रास्ता बचा नहीं है। बट नॉनिट वी आर होपिंग पॉजिटिव कि टिल 25 हमारे पास कुछ खुशखबरी आ जाएंगे बच्चा। तो कैसा माहौल है आपके चारों ओर इस समय? थोड़ा बेटा हेडफोन हटा लीजिए, हेडफोन हटा लीजिए आप, हेडफोन की वजह से हाँ आवाज गड़बड़ होती है, हेडफोन की वजह से गड़बड़ है ना सर। बोलने के बाद समझ जाते हैं जी, लेकिन सर बाहर वाले जो है वो जब भेंट होगी कब जाना। अच्छा आदमी बताए भी तो क्या बताए, वही अभी तभी डिफाइन कर रहे थे। अच्छा आदमी जो छोटी जगह थोड़ा सा बिलोंग करता है उसके लिए तो अलग ही चैलेंज है। छोटी जगह क्या, इंडिया एक ऐसा देश है कि यहाँ पे आप किसी गली मोहल्ले में कहीं रह रहे हैं हर आदमी तो जान जाता है, और उसको अंदर से कष्ट रहता है, तो उसके लिए तो ये रहता है कि चलो यार एक पॉइंट तो मिला है डिस्कशन का। और यही घर, मतलब एक बच्चा तो मेरे को बता रहा था सर कि हमारे यहाँ घर के बगल में रोज पंचायत होती है इस विषय को लेकर के, इनका हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अब सर मैं कैसे कन्विंस करूँ कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो दैट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग। बट ये है कि मैंने कहा बेटा समय ये मुस्कुराने का ही है, कुछ ऑप्शंस तो हैं नहीं अपने पास, सो फोकस रहिए, अपना समय पॉजिटिवली यूटिलाइज करिए, एंड सितंबर तक एक पॉजिटिव रिस्पांस आने के चांसेस हैं नवनीत, एंड वी आर कंप्लीट। इसके बाद तो मैं सीधा आरटीआई फॉर्मेट शेयर करूंगा पूरा का पूरा, और सबको लाइन से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से कि भैया धुआंधार स्पीड पोस्ट करना शुरू करो, इतना लेटर भेजो ना कि दिमाग ठिकाने लग जाए पूरे देश से, समझ में आ जाए कि हाँ ये स्थितियाँ हैं। और मैं केवल इनरोलमेंट वालों से नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनरोलमेंट वालों की संख्या बहुत कम है एक्चुअली, इसमें असल में भेजना है जो रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो पावर है बच्चा वो ज़्यादा है, उनकी संख्या क्या है बच्चा ज़्यादा है, तो अगर जी हाँ तो उनकी संख्या में चीज़ें पहुँचेंगी तो अलग प्रभाव पड़ेगा। एयरफोर्स को एक अलग से कमरा बनाना पड़ेगा कि इसको कहाँ जो है CSB वालों को कि कहाँ संभाल के रखें इतने लेटर्स के जवाब है नॉल एग्जैक्टली। तो ये तो हालात हो गए हैं, कोई नहीं नवनीत, आई थिंक इट्स अ टफ फ्रेम इन द लाइफ, टफ है बच्चा। एंड सर जितना टाइम हम लोग वेट किए अगर तब से अब तक अगर एग्जैक्ट एक डेट मिली होती तो सर काफी कोर्स कवर हो गया था। कोर्स बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट, अभी आप बैंगलोर या जो है चेन्नई में बैठे होते बच्चा, मतलब अपने टेक्निकल ट्रेड्स ट्रेनिंग पे बढ़ रहे होते आप लोग, और टेक्निकल ट्रेड्स ट्रेनिंग का भी आपका होते होते मेरे हिसाब से अभी समय हो जाता ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास आपका हो जाता, क्यों जनवरी बैच होता, अगर जनवरी से स्टार्ट हुआ था बच्चा तो जनवरी का बैच होता, आपका 6 महीने बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं जुलाई तक, जुलाई में इनको पास आउट 100% कर देना था, फिर उसके बाद 14 दिन का गैप देते, 15 अगस्त को आप 15 अगस्त के बाद आप रिपोर्ट कर जाते जो है बैंगलोर वहाँ पे, और अभी तक 1 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होती, ये स्थिति है। मेडिकल फिट है, अगर तब से अगर अब की भी डेट दी गई होती तब तक सर CDS का सिलेबस कवर हो गया होता। सही कह रहे हो, नहीं नहीं तैयारी में जारी रखो, ये सही है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो हर बच्चे के दिमाग में, इसलिए भी नवनीत मैंने प्लान किया कि आई विल डू अ स्पेशल सेशन विद द पेरेंट्स। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी इनरोलमेंट वाले बच्चे हैं, मैं उनके स्पेशली पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं, आई नीड टू डिस्कस टू देम कि लाइक थोड़ा आप लोग भी साथ दीजिए, क्योंकि 4-6 बच्चों के बड़े इमोशनल वीडियो आए मेरे पास, और अभी उस बीच मैंने वीडियो शूट करना शुरू भी किया था। मैं बताऊं तुमको नवनीत, तो मैंने विकास का वीडियो शूट किया, फिर 3-4 वीडियो मैंने शूट किए बच्चे, उसमें बड़ा इमोशनल चीज़ें निकल के आ रही थी, मेरे को लग रहा था यार इस तरह के मैं वीडियोस लाऊंगा तो मुझे खुद उसको देख के बड़ा दुख हो रहा था कि एक परिवार की स्थिति क्या है, किसी की बहन की शादी रुक गई है, किसी के परिवार का जो है कुछ काम चल रहा था वो काम उस वजह से रुक गया है, और वो सब एक्चुअल सिचुएशंस थी।
तो मैंने कहा इसको पब्लिश करके मैं क्या करूंगा, आज देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा चिल मूड में आप लोगों से बात कर रहा हूं कि भाई प्रेशर में तो सर ऑलरेडी है, अभी और प्रेशर मत क्रिएट करो, थोड़ा सा माइंड हमारा क्या करिए सर, चेंज करिए हल्का सा। तो मैंने कहा नहीं यार ये टेम्पो ठीक नहीं है, एंड आज एक थोड़ी सी पॉजिटिव बात करेंगे, रिलैक्स बात करेंगे। हाँ नवनीत कुछ कह रहे थे आप? मैं समझ सकता हूँ नवनीत, और भाई किसी अरबपति और करोड़पति घर का तो बच्चा जाएगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है। एक मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर क्लास फैमिली से ही इंसान जाता है, और आपकी सफलता में पूरे परिवार का भविष्य, स्ट्रक्चर, ग्रोथ सब कुछ टिका हुआ है। मतलब आप ही आस हो, जो कहते हैं ना कि इकलौता चिराग है, वो वाला हाल है। और वो जब रुक जाता है तो ऐसा लगता है परिवार का पूरा प्रोजेक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट सब रुक गया। काफी क्लोज खड़े भी है तो नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो आई हैव डिसाइडेड कि लाइक आई नीड टू टॉक विद द पेरेंट्स एंड डिस्कस डायरेक्टली टू देम, और वो वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करवाएंगे, क्योंकि ये बात देश में ज़्यादातर पेरेंट्स एंड रिलेटिव के पास जानी चाहिए, कोई तो ये समझाए कि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। एंड वंस पेरेंट्स टेक अग्रीमेंट, मैं जानता हूँ माँ बाप सबके सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन होता क्या है ना कि सामाजिक तौर पर इतना टॉर्चर दे दिया जाता है कि उन्हें भी तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं होता। तुम भी क्या समझाओगे भाई, ऐसा तो नहीं ना पापा एयरफोर्स से बिलोंग कर रहे हैं और मम्मी जो है एयरफोर्स से हैं, अब उनको भी समझाना टफ ही है रोज। तो एक बच्चा तो कहा कि सर मम्मी कहीं झूठा कहीं का तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं है, अब लो अब वो अपनी मम्मी को ही नहीं कन्विंस कर पा रहा है कि कैसे करें। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि सर एक वीडियो प्लीज़ आप करें जो कि फैमिली के साथ हो, और प्लीज़ मेक देम अंडरस्टैंड कि हम करें भी तो क्या करें सर, और हमें मर्यादा का भी ख्याल रखना है, बिकॉज एज एयरफोर्स एस्पिरेंट हम गलत बोल नहीं सकते, गलत कह नहीं सकते, वो हमारे पर्सनैलिटी को नहीं शूट करता, और काबिल बच्चे हुए हैं तो वो ऐसा करेंगे नहीं, मुझे पता है उस विषय में ओवरऑल। तो वो भी एक चैलेंज रहता है कि हम करें तो करें क्या करें सर। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात कहा बेटा आपने, हमें आपको धैर्य खोना भी नहीं है, वी जस्ट मेंटेन दैट डिग्निटी एंड ऑल। बाकी भी पॉजिटिव नवनीत, लगे रहो तैयारी, जो आगे के एग्जाम्स हैं उन पर फोकस करो एंड क्रिएट पॉजिटिविटी अराउंड यू। हाँ चलिए, थैंक यू नवनीत। चलिए लास्ट बात कर लेते हैं अश्विनी से। यस अश्विनी आप आ जाए। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं बच्चा, कैमरे पर भी आ जाइए आप अश्विनी। कैसे हैं अश्विनी आप? जय हिंद जय हिंद। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं बच्चे? श्रीगंगानगर राजस्थान। अच्छा राजस्थान से हो जी। कैसी कैसी गर्मी है आपके यहाँ, बारिश वारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? सर हमारे सूखा पड़ता है यहाँ पे। सूखा पड़ा हुआ है राजस्थान में। गंगानगर में सर जो वर्ल्ड में नाम आता है गंगानगर का, गर्मी में। चलो बहुत बढ़िया। कितना टेम्परेचर मैक्सिमम चला जाता है, कितना चला जाता है टेम्परेचर मैक्सिमम? सर 49 डिग्री। बाप रे बाप, क्या हालात हो जाते होंगे। वैसे अभी गंगानगर की गर्मी से बड़ा गर्मी एयरफोर्स ने फैला रखा है, यहाँ ये गर्मी नहीं झेली जा रही है सर, एक अलग प्रेशर चल रहा है। क्या स्थिति है सुनिए आप, क्या थोड़ा कुछ बताएं अपने विषय में, परिवार के विषय में। सर मैं तो सर ये सोच रहा हूँ कि मेरा मानना तो सर ये है कि जो हो रहा है सर भगवान जैसा चाहता है वैसा ठीक ही हो रहा है, क्योंकि सर मेरे सिस्टर की नवंबर में मैरिज है। सच ये है कि जब अपने हाथ में ना हो तो इंसान इसके अलावा बोल भी क्या सकता है यार, ये एक ऐसी चीज है जिससे हम संतोष पाते हैं और ये एहसास होता है कि चलो अच्छा टाइम आ जाएगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ सर अगर मैं अगर ट्रेनिंग आ जाती है तो मेरी सिस्टर की मैरिज भी रह जाएगी सर, नवंबर में सर मैरिज है मेरी सिस्टर की। ओके फिर अगर चला जाता हूँ तो सर मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि मैं ट्रेनिंग में चला जाता हूँ तो छुट्टी नहीं मिलेगी सर। चलिए तो अलग अलग तरह के प्रश्न चल रहे हैं इस समय आ दिमाग में अश्विनी, नहीं आई अंडरस्टैंड बच्चा, और भरोसा रखिए सितंबर तक। बाकी मेरे को कोई वो दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो होगा सर भगवान के हाथ में है। सही है अश्विनी, अश्विनी सही है बच्चा, मुझे लगता है किसी भी स्थिति में यार पॉजिटिव रहने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हम कहें भी तो क्या कहें सर, और सब कह ही रहे हैं हर जगह से, तो ये सच है कि पॉजिटिव रहना जरूरी है बच्चा, कि चलो जो होगा अच्छा होगा सर, और जो भी हो रहा है सब लिखा है, उसको हम बहुत कुछ बदल भी नहीं सकते एक्चुअली, बट ये कि वी आर होपिंग वेरी पॉजिटिव अश्विनी कि सितंबर तक चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होने के चांसेस बन गए हैं, एंड उसके बाद फिर बच्चों से अगर चीज़ें करते हैं कन्फ्यूजन, क्योंकि अभी तक आश्वासन इसी तरह का मेरे को दे रहे हैं वो,
तो उसके बाद करेंगे आरटीआई वाले प्रोसेस को लेके बात कर रहे थे, फिर उस चीज़ को लेके बात करेंगे, दैट्स नॉट इशू। बट अभी ये क्या यही मना रहा हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए तो क्या जरूरत है बहुत सारी चीज़ों में उलझने का, कि बिकॉज हम वहाँ से जी वही हमारा कहना है बेटा, हम ऐसी जगह से आते हैं कि हम उस एटीट्यूड में नहीं जा सकते यार, कुछ भी हो। नहीं कोई नहीं है अश्विनी, एंड वी आर होपिंग पॉजिटिव, और ईश्वर करे कि जल्द से जल्द आ जाए यार, और जल्द से जल्द जो है पहुँच जाए जो सपना देख रखा है। एंड आई अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ जॉब, जॉब तो इंसान बहुत ज़िंदगी में पा जाएगा, बहुत कुछ कर लेगा, ये कोई ऐसा बात नहीं। आप इतने एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और आप में क्षमता है कुछ भी क्रैक कर जाने का, मैं समझता हूँ उस बात को। बट प्रॉब्लम ये होता ना यार कि जो बचपन से ड्रीम देख रखा है, जिसको हम जीते हैं, जिसको महसूस करते हैं सर, जिसको फील करते हैं हम, वो चीज़ ना मिले तो फिर ज़िंदगी क्या लगती है, कहीं ना कहीं अधूरी लगती है। तो मिलेगा सबको, एंड बी पॉजिटिव, एंड अच्छे से रहिए आप लोग, खुश रहिए, एंड जल्दी आई डू द सेशन विद द पेरेंट्स, मैं इस बात का वादा किया हूँ। एंड आई ट्राई टू क्रिएट द पॉजिटिविटी अमंग्स ऑल, क्योंकि उद्देश्य यही है कि जितनी पॉजिटिविटी हम फैला सकते हैं उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा, पूरा का पूरा। ठीक है अश्विनी, थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक इट्स अ लवली इंट्रैक्शन। ठीक है, चलिए, थैंक यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग विद ऑल ऑफ यू, जल्दी एक नए सेशन के साथ हूँ। बी पॉजिटिव, आप हीरो हो मेरे निगाह में, बिकॉज आप सफल हो, इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, घबराने का नहीं है, मिलके लड़ेंगे, अच्छा करें जी। सर एक चीज और, सर ये थोड़ा सा मतलब मैं पहले ही बोला सर, यूट्यूब पर थोड़ा फालतू के कुछ क्रिएटर्स हैं, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। जैसे कि एक था उसने बोला सर कि जो इनटेक है वो कैंसिल हो सकता है, और वहां पर जो आपका इनटेक है वो शिफ्ट हो सकता है, जनवरी में जाओगे आप, ये वो, ये सारी चीजों पर सर थोड़ा क्लेरिफिकेशन दे दीजिए सर आप। ये एक ऐसा मुद्दा है अमित, अभी बता दूं कि जिस मुद्दे पे बिल्कुल बात करना सेंसलेस है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो किसी के द्वारा बनाई गई है, और ये जानकारी मैं आपको बता दूं तो बहुत पहले हमारे पास आई थी, बट आई नेवर कम टू शेयर एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, बिकॉज इसमें कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं अमित, आपको पता है 31 जुलाई को POP हो गई, तब से ले तक अभी तक एकेडमी खाली है, तो आप क्या ये मान रहे हैं कि एकेडमी जो है जनवरी तक खाली रहेगी? बट मुझे उस पर भी ये सरप्राइजिंग लग रहा है यार कि जब बैच चली गई है, सब कुछ चला गया है, उसके बावजूद जो है आप बच्चों को नहीं बुला के स्टार्ट करो, नहीं तो उधर भी तो लेट हो जाएगा। अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एटलीस्ट फरवरी तो मिड चला ही जाएगा ना, फिर तो लेट हो ही गया, फरवरी मिड हुआ, अब उनकी ज्वाइनिंग आप 15 दिन बाद गैप दे दोगे, वहां पे साफ सफाई चलेगी आपके, मार्च में ज्वाइनिंग होगी, जाएंगे फिर से क्वारंटाइन कर दोगे, फिर अप्रैल, तो भैया साइकिल सुधारोगे कैसे आप ओवरऑल? तो ये थोड़ा सा प्रश्न था, बट ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये केवल एक कहानी है जो गढ़ी गई है, और इसको लेके अमित हम बात ना ही करें अभी तो ज्यादा अच्छा है। आपकी सितंबर में भगवान चाहेंगे कन्फर्मेशन आ रहा है, एंड टेक पॉजिटिव टू दैट, ठीक है बच्चा, एंड खुश रहिए आप सब, शूरवीर हैं, कोई ऐसी दिक्कत का बात नहीं है जी बच्चा। एक चीज और सर, कि वैकेंसीज का कुछ क्लेरिफिकेशन हो सकता है सर, कि कितनी वैकेंसीज हो सकती है सर एक्स वाई ग्रुप में? तो वैकेंसी तो ठीक ठाक रहनी है, और उसको आप मोटा मोटा मान के चलिए कि एक्स का जो रहना है इनका 3400 के ऊपर या 3400 के आसपास ये रख रहे हैं, और 2400 तक मैक्सिमम जो है ये मेंटेन कर रहे हैं इसका, एयरफोर्स वाई का, तो ये मोटा मोटा क्लियर है कितनी वैकेंसीज वहां पर हैं। अब इसको जोड़ लीजिए मोटा मोटा 3400 डोलिए 24 अराउंड 58 है, हाँ अराउंड 6000 के आसपास है इनके पास जो है वैकेंसीज स्पेस, तो कोई दिक्कत इसलिए भी बन रहा है क्योंकि 150-200 भाग गए थे पिछले वाले इनका जो रैली भर्ती करके अरेंज किए थे, तो अराउंड 6000 के आसपास वैकेंसीज तो भर भर गया अमित, उसका तो डाउट ही नहीं, इस बार उसमें सबका हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, तो चलिए बी पॉजिटिव, खुश रहिए और मस्त रहिए, कोई टेंशन का बात नहीं है, सब जल्दी अच्छा हो जाएगा ईश्वर चाहेंगे तो, और यही उद्देश्य था मेरा। चलिए थैंक यू वेरी मच। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, टॉप काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ, आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैश बैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर, और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर, और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com।